प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। ये है देशभर का मौसम पूर्वानुमान। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे साइक्लोन सीजन के बारे में, थोड़ी सा जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने होते हैं, ये साइक्लोन सीजन यानी पहला साइक्लोन सीजन होता है, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी साइक्लोन आते हैं। मानसून के दौरान साइक्लोन बहुत ही रेयर होते हैं, यानी 2 सीजन होते हैं। पहला सीजन होता है मार्च, अप्रैल, मई। हालांकि मार्च का महीना जो देखा गया है वो काफी ज्यादा कमजोर रहता है। अरब सागर में अभी तक मार्च के महीने में कोई भी समुद्री तूफान नहीं बना, जबकि मार्च के महीने में बंगाल की खाड़ी में 1901 से लेकर के 2022 तक 5 साइक्लोन बन चुके हैं। पिछला ये जो साइक्लोन बनने वाला था ये डीप डिप्रेशन तक बना और कुछ वेदर एजेंसीज ने इसको कमजोर साइक्लोन बताया और कुछ ने नहीं बताया, लेकिन क्योंकि इसका कोई नाम नहीं रखा गया था इसलिए हम इसको साइक्लोन नहीं कह पा रहे, और ये कह सकते हैं कि 5 या 6 साइक्लोन बन चुके हैं बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में अभी तक एक भी मार्च के महीने में नहीं बना, और अप्रैल के महीने में साइक्लोन सीजन थोड़ा सा और तेज होता है, और अभी तक बंगाल की खाड़ी में 2000 से लेकर के 2022 के बीच में 5 साइक्लोन बन चुके हैं, और उसमें से 3 सीवियर साइक्लोन बने हैं। जैसे कि अगर इनका नाम देखा जाए तो मुर्था था, माला, नरगिस, फानी, बिजली, ये जो 5 साइक्लोन थे ये अप्रैल के महीने बने हैं जो पिछले 22 साल के दौरान देखे गए। और मई का महीना जो होता है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे समुद्री सतह के तापमान बढ़ने लग जाते हैं और साइक्लोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। जो समुद्री तूफान बनते हैं शुरुआती दौर में मार्च और अप्रैल में, वो साउथ अंडमान सीमा बनते हैं। पहले वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यानी उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में चलते हैं, फिर वो रिकर्व होते हैं ज्यादातर, और उसमें से अधिकांश साइक्लोन या तो बांग्लादेश या म्यांमार यानी बर्मा की तरफ चले जाते हैं, और भारतीय तट को इससे खतरा काफी कम होता है। लेकिन अपवाद भी होता है कि बीच बीच में कोई तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा या पश्चिम बंगाल की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कम होते हैं। और अब क्या होगा कि जो अगला जो सीजन होता है यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसमें जो साइक्लोन बनते हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी जो साइक्लोन सीजन आ रहा है ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा, लेकिन फिर भी साइक्लोन बनने की संभावना रहती है, सीवियर साइक्लोन भी बन जाते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो साइक्लोन बनते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये तो हो रही साइक्लोन की बात, अब चलते हैं कि आगे वेदर कैसा रहेगा। तो हमने देखा कि अभी पिछले 1-2 दिनों से बारिश की अवधि बहुत ज्यादा कम हो गई है, और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में एक साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, आप देख सकते हैं बादल कितने ज्यादा छाए हुए हैं, ये श्रीलंका के आसपास तक बारिश देंगे, लेकिन इसका असर तमिलनाडु और केरल के ऊपर नहीं दिखाई देगा। हालांकि दक्षिणी तमिलनाडु के तट पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से, हो सकता है लो प्रेशर एरिया भी बन जाए, लेकिन ये दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेगा, यानी कि और नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अब जो मौसम है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग शुष्क बना रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो अब अगर बाकी जगह का देखें, हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, तो उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो था वो सारे निकल चुके हैं, एक और पश्चिमी विक्षोभ है जो अफगानिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया था कि मार्च के महीने के जैसे ही हम उत्तरार्ध में चलने लग जाते हैं तो माफ कीजिएगा, पश्चिमी विक्षोभ की जो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी इसका असर पहाड़ों पर ना के बराबर होगा, और होगा भी तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर बहुत हल्का स्नोफॉल या बारिश देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड इससे अछूते रह जाएंगे, इसमें कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और अब उत्तर पश्चिम दिशा से आप देखिए हवाएं चल रही हैं, एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जिसको इंग्लिश में एंटी साइक्लोन कहते हैं, जिसमें घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती हैं, तो इसके कारण जब भी ये जो बनता है एंटी साइक्लोन राजस्थान या गुजरात या इस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब बनता है तो क्या होता है कि हवाएं इस तरह से घूमती हैं और उत्तरी दिशा से नहीं आ रही होती हैं, ये सेंट्रल पाकिस्तान और थार डेजर्ट से आती है, तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो ये हवाएं गर्म होने लग जाती हैं और ये तापमान बढ़ाती हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये जो तापमान है उत्तर भारत का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो सारे इलाके हैं, इन इलाकों में अब तापमान बढ़ने लगेगा, और जो गर्मी है अभी भी तापमान जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो सामान्य से ऊपर चल रहा है दिल्ली एनसीआर और बाकी जगहों पर,
और हीट वेव चल रही है सौराष्ट्र कच्छ के कुछ इलाकों में, जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर हीट वेव चल रही है। और अब क्या होगा कि ये जो शुष्क और गर्म हवाएं हैं लगातार जब चलेंगी तो अगले 2-3 दिनों के दौरान जो दिल्ली और एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी तापमान और ज्यादा बढ़ जाएंगे और 33-34 डिग्री तक होली के आसपास तापमान रहने की उम्मीद है दिल्ली एनसीआर में। और उसी तरह से सामान्य से अधिक तापमान कई इलाकों में रहेगा, लेकिन मौसम पूरे इलाके में साफ रहेगा, किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर देखें हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य, इन इलाकों में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में हो सकता है 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जना वगैरह कुछ हो जाए जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, बाकी इलाके शुष्क ही बने रहेंगे और मौसम गर्म ही बना रहेगा। मध्य भारत में भी यही हाल है। और अगर हम ये महाराष्ट्र के तरफ देखें तो महाराष्ट्र में पिछले 1-2 दिनों के दौरान हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हुई है नासिक वगैरह, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन सारे इलाकों में, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो मौसम है वो साफ होने लग गया है। हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं आज, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये पूरे इलाके का मौसम साफ हो जाएगा। और मुंबई और उसके आसपास जो तापमान है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसका कारण भी यही है कि हवाएं इस तरह से, यानी अंदरूनी हवाएं आ रही हैं। जब अंदरूनी हवाएं होती हैं तो सेंट्रल इंडिया में तापमान बढ़े होते हैं, वहां से जो गर्म और शुष्क हवाएं आती हैं वो तापमान बढ़ा देती हैं। तो मुंबई और उसके आसपास थाने, दहानू, औरंगाबाद, पुणे, जलगांव, नासिक, ये सारे इलाकों में तापमान बढ़े हुए हैं और ऐसे ही विदर्भ और मराठवाड़ा में। क्योंकि जब हवाएं इस तरह से आती हैं, यानी कि समुद्र की तरफ से जब आती हैं तो नमी वाली होती हैं, तो वो तापमान को गिरा देती हैं लेकिन उमस बढ़ा देती हैं। तो अभी फिलहाल ये एंटीसाइक्लोन बना रहेगा तो तापमान गर्म रहेंगे, मुंबई वगैरह को कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कोई खास वेदर एक्टिविटी है नहीं, और हम कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान लगभग शुष्क रहने की संभावना है अगले कुछ दिनों के दौरान। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 1-2 दिनों के दौरान हल्की बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम स्पेल होने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।